हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्रद्धा मनीष त्रिपाठी और आप सबका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी को राम राम। कुछ उम्मीद आपको बहुत अच्छी अपने घर में हो फ्रेंड, तो मैं आई हूँ अपनी फ्रेंड के साथ भगवान के दर्शन करने। मेरी बेटी है और मैं दीपा भी हूँ और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरे यहाँ के प्राचीन मंदिर। बहुत ही फेमस है, हनुमान जी का मंदिर है और जगन्नाथ स्वामी है। ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं और ये हमारे जगन्नाथ स्वामी और उनके दर्शन मिल रहा है। यहाँ ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है हनुमान जी का, बहुत मान्यता है इनके यहाँ। मैं तो ऐसे ही गई, भाई की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी मेरे, तो मैं उनके यहाँ गई थी प्रसाद चढ़ाने। मैं भी फ्रेंड के साथ गई थी, बहुत सुकून मिला, बहुत रोना भी आता है उनके सामने, क्योंकि जो बात हम खुद किसी से कह नहीं पाते ना, वो भगवान के सामने अपने आप आंसू के रूप में निकल जाता है, जो इतना भी दर्द छुपा रहता है। और मेरी जो फ्रेंड आप लोग देख रहे हैं, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। दोस्त का होना बहुत ज़रूरी होता है जीवन में, नहीं तो इंसान एकदम अकेला हो जाए। और वो उसकी बेटी भी है, उसकी लाइफ में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ गई हैं कि सब भी दुखी हैं। मुझे लगता है भगवान हर किसी को शक्ति दे दुख सहने की। तो उस जब अपने दोस्तों से मिलते हैं ना, तो एक अलग ही उसमें चले जाते हैं हम लोग, अकेले हो जाते हैं। मुझे अचानक से मंदिर आना हुआ, क्योंकि मैं रीवा जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ मैं दो जगह जाऊँ। मेरे रीवा में एक किला है जहाँ पर महामृत्युंजय जी का मंदिर है, बहुत बहुत मन से मैं उनके यहाँ जाती थी। और एक चिरोलानाथ स्वामी हैं, ये बजरंगबली, तो इनसे एक अलग ही रिश्ता जुड़ चुका है, एक लगाव हो चुका है मेरा इनसे। मुझे लगता है मेरे सुख दुख में मेरे साथ ही रहेंगे। मेरे भाई की तबीयत जब अचानक ख़राब हुई रात में ना, बच्चे अपने, ये मेरी बेटी है, ये देखिए इधर देखो आद्या, ये मेरी बेटी है और ये जया की बेटी है। अरे हम दोनों फ्रेंड हैं, पहले हम दोनों स्कूटी में घूमते थे, अब हम चारों स्कूटी में घूमने लगे हैं। इनके बीच में आ रही है, ये भी हम लोग की बहन एक बंदरिया, ये दीदी है। थैंक गॉड तुमको पता है मैं दीदी हूँ। उधर आग लू कि लूँगी, पूजा कर लू। यहाँ पर मेरी फ्रेंड ने मुझे टीका जबरदस्ती लगा दिया था, मैं उसमें उसको कुछ बोल नहीं पाई, मना कर रही थी। फिर मुझे लगा जब मैं अकेले हुई तो मुझे लगा मुझे इसे हटा देना चाहिए, क्योंकि मुझे इसको लगाने का हक नहीं है। और बस इसलिए मैंने उसको हटाया, फिर वो पीछे से चिल्ला रही थी नहीं। तो ये शिव परिवार, शिव गौरी जी बैठे हुए हैं, ये यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग है शिव जी के। हम यहाँ पर गई, मैं दर्शन की और अपने आप को बहुत रोक रही थी, क्योंकि मैं हनुमान जी के सामने बहुत रो चुकी थी। मेरी फ्रेंड मेरा फेस दिखती तो रोने नहीं आना, रोना नहीं आ, मतलब। फिर मेरी बेटी की भी तबीयत ख़राब थी, वो उसको टाइफाइड हो गया। मैं वहाँ से रीवा से आई रात में, फिर मैं मॉर्निंग में लेके गई डॉक्टर के पास, तो पता चला आद्या की भी तबीयत ख़राब है, उसको टाइफाइड हो गया। मतलब मुसीबत एक तरफ से आ रही थी, एक तरफ से, एक तरफ भाई बीमार, एक तरफ भाभी बीमार, आद्या बीमार। भगवान से ही प्रार्थना कर रही थी, भगवान इतने लगातार दुख दे रहे हो, मतलब क्या बिगाड़ी हूँ मैं। लेकिन चलो, शक्ति देते हैं वही भोलेनाथ, वही हनुमान जी, वही राम जी, जिस रूप में उनको मानो, क्योंकि इंसानों से अच्छे तो वही है। दुख देते हैं तो दुख से लड़ने की हिम्मत भी देते हैं। यही करके भगवान के सामने जब मैं जाती हूँ तो मैं अपने आप को बिल्कुल नहीं रोक पाती हूँ। मैं सबके सामने बहुत ही स्ट्रांग बन जाती हूँ, बहुत ही हंसती रहती हूँ, लेकिन भगवान के सामने नहीं हो पाता। तो मैं एकदम कह रही थी कि भगवान कुछ भी करो, बस भाई मेरा ठीक होना चाहिए, क्योंकि वही है जो सब कुछ है। और क्या बोलूँ, शब्द कम पड़ जाते हैं हमारे पास। और आद्या मेरी इतनी थक चुकी थी, मतलब उसे चला नहीं जा रहा था, तो वो गई ना, तो शिव जी के ये जो बना हुआ है वहीं पर बैठ गई। बच्ची है, मैंने भी मुझे मैं बोली बैठा ही नहीं, बैठो नहीं बैठा जाता है। लेकिन पंडित जी आके ना उसको बहुत अजीब तरीके से डांट दिए। तो ये चीज़ मेरी फ्रेंड
मैंने तो कहा जाने दो, मैं तो उनसे बोलने वाली थी कि हटाओ जाने दो, नहीं बैठना चाहिए था उसको। कि मेरी फ्रेंड उस पंडित जी से बहुत लड़ी, बहुत लड़ी, बहुत कुछ बोली कि बच्ची है आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं। वो नहीं, लेकिन मैंने भी पंडित जी को बताया कि भगवान शिव ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन हो गया, वो उनकी सोच थी। लड़ झगड़ के अभी पंडित जी से पंडित हटो जी, काट मत लेना, कुत्ती आया कहा, यहाँ तो अंधेरा है यार। जया कितना अंधेरा है यहाँ, थोड़ा थोड़ा उजाला है, हमको इस जगह पे डर लगता है, जाओ शनि भगवान। हाँ बेटा, तो फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ घर दर्शन करके, ये देखो पढ़ने वाले लोग बैठे हैं और इनका कल एग्जाम है बीएड का, इसलिए हमारे साथ ये जा नहीं पाई थी। और ये मेरी मामी है, मामी कैसे लुकाती लागे, तो का भा, अरे दादा इतना भी मने सोचे। ये मेरी मतलब बहुत अच्छी फैमिली है और मुझे बहुत प्यार करते सब लोग। ये हंस हंस क्यों छुपे हुए हो, बता दो सबको, गंदे काम किए हो इसलिए मुंह छुपा रहा है, हंस का मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, मेरा मुंह तो दिखाने लायक है जिसका जिसका मुंह दिखाने लायक है वो आए इसमें। हाँ मामी ये बहुत अच्छी मेरी मामी ने फ्रेंड है ये, और बस मामी मेरी बोली चलो खाना बना रहे हैं, खाना खा लो, खाना खा लो, मंदिर से आई हूँ तो मैं भी खूस के आई हूँ भरा हुआ। चलिए बहुत दिनों से कोई ब्लॉग नहीं गया था मैं, हालांकि रीवा में इसलिए आई थी कि मेरे भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और भाई से बढ़ के कुछ नहीं होता इस जीवन में, इसीलिए मैं मंदिर भी गई थी आज कि भगवान से मैंने जो मन्नत मांगी थी तो उनको मन्नत का प्रसाद चढ़ा दूँ और मेरा भाई ठीक हो जाए। तो उन्होंने सुन भी ली, मेरे भाई को आराम है पहले से, तो आप लोग भी प्रे करिएगा मेरा भाई बिल्कुल ठीक रहे, अच्छे से रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, क्योंकि मेरे जीवन में मेरे भाई से बढ़कर कुछ है नहीं। बस फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बॉबी, सबको बाय कर दो, मामी सबको बाय कर दीजिए।